सामने आ गया ममता बनर्जी का 31 साल पुराना झूठ। रेप पीड़िता के लिए लड़ने वाली ममता अब खामोश क्यों है? 31 साल पहले ममता ने जो कसम खाई, आज उसी ने दीदी की मुसीबत बढ़ाई। जी हाँ, बंगाल में महिला डॉक्टर को इंसाफ दिलाने के लिए इस वक्त लोग सड़कों पर हैं। बंगाल में इस वक्त पुलिस और जनता आमने सामने है। आरोपी को सजा दिलाने के लिए पूरा देश आवाज उठा रहा है, लेकिन सूबे की मुखिया ममता बनर्जी खामोश है। लगातार बंगाल पुलिस पर आरोप लगाए जा रहे हैं, सरकार के कामकाज पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, लेकिन ममता ने आरोपी के पुलिस कनेक्शन पर अभी तक कुछ नहीं बोला है, जबकि ये बात साफ तौर पर साबित हो रही है कि आरोपी संजय राय के पुलिस के साथ संबंध थे। लेकिन आरोपी को धर दबोचने की बजाय पुलिस प्रदर्शन कर रहे लोगों पर डंडे बरसा रही है। ऐसे में महिला डॉक्टर को इंसाफ दिलाने की लड़ाई लड़ रहे लोगों को 31 साल पुरानी वो बात याद आ गई जिसने ममता बनर्जी को पहचान दिलाई थी। रेप पीड़िता की वो कहानी जिसने ममता को बंगाल की दीदी बना दिया था। उस वक्त ममता ने सत्ता में आने के लिए रेप पीड़िता के लिए जो आवाज उठाई थी, आज जब खुद की सरकार में एक लड़की के साथ रेप होता है तो ममता की आवाज कहां गायब हो जाती है। तो चलिए आपको ममता की लड़ाई की 31 साल पुरानी वो कहानी बताते हैं। साल 1993, बंगाल में ज्योति बासु की सरकार थी। बंगाल में वामपंथ का दबदबा था। उस वक्त ममता अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत कर रही थी। उस वक्त बंगाल के नदिया जिले में एक दिव्यांग लड़की के साथ बलात्कार की घटना होती है। पूरे बंगाल में गुस्सा था। ज्योति बसु सरकार पर हमले हो रहे थे। पीड़िता को इंसाफ दिलाने के लिए लोग सड़कों पर थे। इसी बीच पीड़िता के साथ ममता बनर्जी एक बड़ा कदम उठाती हैं और पीड़िता को लेकर राइटर्स बिल्डिंग पहुंच जाती हैं। बिल्डिंग में पहुंचकर वो मुख्यमंत्री ज्योति बसु से मुलाकात के लिए उनके चैम्बर के दरवाजे के सामने धरने पर बैठ जाती हैं। उस वक्त ममता का आरोप था कि राजनीतिक संबंधों की वजह से ही रेप के दोषियों को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। बताया जाता है कि ज्योति बसु ने उनसे मुलाकात नहीं की। जब समझाने के बावजूद भी ममता वहां से नहीं हटी तो ममता और रेप पीड़िता को महिला पुलिसकर्मियों ने घसीटते हुए सीढ़ियों से नीचे उतारा और पुलिस मुख्यालय लाल बाजार ले गए। बताया जाता है कि इस दौरान ममता के कपड़े तक फट गए थे। रेप पीड़िता को इंसाफ दिलाने की इस लड़ाई के बाद ममता बंगाल का बड़ा चेहरा बन गई थी। बंगाल में लोग ममता को दीदी कहने लगे थे। बताते हैं कि इस घटना के बाद ममता ने कसम खाई थी कि अब वो मुख्यमंत्री बनकर ही राइटर्स बिल्डिंग में कदम रखेंगी। आखिर वो दिन भी आया, ममता वामपंथ सरकार के खिलाफ आंदोलन करती रही। आखिरकार 20 मई 2011 को करीब 18 साल बाद उन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेकर अपनी उस कसम को पूरा किया। लेकिन ममता के काम पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि ममता की वो कसम अब कहां गई? अब वो रेप पीड़िता को इंसाफ दिलाने के लिए सड़कों पर क्यों नहीं आ रही हैं? अब वो जब खुद सीएम हैं, तो आरोपी को सजा क्यों नहीं दिला रही हैं? दरअसल हकीकत तो ये है कि ये कोई पहला मामला नहीं है जब ममता पर सवाल खड़े हो रहे हैं, बल्कि इससे पहले हुए हंस खाली मामले को कैसे भुलाया जा सकता है जब ममता ने रेप की घटना को अफेयर कहकर खारिज कर दिया था। ऐसी ही कामदुनी में हुई एक घटना का प्रदर्शन कर रहे लोगों को ममता ने माकपा समर्थक बता दिया था। ममता बनर्जी की गलतियों की डायरियों में रेप सबसे ऊपर है। खासकर अगर उनकी पार्टी का कोई इंसान दोषी साबित होता है तो ममता बनर्जी उसे झूठा बता देती हैं। अगर महिला के साथ हुए रेप पर उनसे सवाल पूछा जाता है तो वो परेशान हो जाती हैं और उल्टा विपक्ष पर साजिश रचने का आरोप लगा देती हैं। कुल मिलाकर साफ है कि ममता की पोल खुल गई है। जो ममता 31 साल पहले रेप पीड़िता को इंसाफ दिलाने की लड़ाई लड़ती थी, आज उनके अंदर की वो दीदी कहां गायब हो गई? ममता बनर्जी के ऊपर इस वक्त सवाल खड़े हो रहे हैं। कुल मिलाकर साफ है कि महिला डॉक्टर के साथ हुई इस दरिंदगी ने ममता की हकीकत को सबके सामने लाकर खड़ा कर दिया है। यही वजह है कि आज पूरा बंगाल ममता के खिलाफ सड़कों पर आकर इंसाफ की मांग कर रहा है। लेकिन आज ममता को ना तो रेप दिख रहा है और ना ही रेप पीड़िता के परिवार वालों का दर्द। बस दिख रही है तो बस अपनी कुर्सी।
तो आपका इस खबर पर क्या कहना है? क्या आपको भी लगता है कि वास्तव में ममता रेप के आरोपी की मदद कर रही हैं और चुप हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा।